ठीक ठाक हूँ, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। और जी, आज का सीन ऐसा हो गया कि घर तो हो रहा है मेरा बड़ा ही गंदा, बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा है, तो समझ नहीं आ रही क्या करें क्या ना करें। और जो है ना, मैंने सोचा कि क्यों ना ये सब समेट लिया जाए। ठीक है, तो ये सब समेटेंगे। और अब टाइम हो गया, हद का बहुत 3:30 हो गया, ऑलमोस्ट 4:30। और घंटे में हाथ को भी छोड़ जाना, उसे नहलाना है, कपड़े चेंज कराने हैं। कौन? डैडी इज आउटसाइड। अच्छा, वैसे इसको कोई मेरी नहीं पता होती, लेकिन जैसे ही दरवाजा लॉक करो, देखा आई एम हियर आहद। डैडी आ गए, चलो आओ इधर सफाई करें। तो चले जी, सफाई करते हैं, उसके बाद आहत को नहला धुला के कपड़े चेंज करा के ट्यूशन भेजते हैं। आजकल जरा वो ट्यूशन में थोड़ा सा तंग कर रहा है। क्या हो गया आहत, क्या हुआ है, क्या हुआ है? कहाँ बुब्बू हुआ? वे यू गॉट बुब्बू? हाँ, केक वहां रखो ऊपर वापस। हाय अल्लाह जी आहद, कुछ मेरे पाँव पे लग गई। आई गॉट बुबू आहद, आई गॉट बुबू। आई एम ओके। नो आई एम नॉट ओके। डोंट 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 डोंट। ये यहाँ पे स्टूल पड़ा हुआ है, मैं इसको वहां पे रखती हूँ, लेकिन आहत उठा उठा के ना इसको यहाँ पे रख देता है। ये मेरे बड़े जोर का पैर पे लग गया एकदम से, यहाँ से इतना मांस उतर गया। बड़ी बुरी हुई है मेरी सास। चलो इसको पीछे करते हैं, इसकी ना नुकड़े निकली, इसको मैं उठा उठा के इधर, इसको मैं इतनी दफा इधर रखती हूँ ना, उतनी दफा आहत ले जाता है वहां पर, लग गए मेरे ही पैरों पे लगती हैं चीजें। अब ना इधर से आहत देना, मम्मा को चोट लग जाएगी, फिर बब्बू होता है मम्मा को। ये देखें फर्श हमारा कितना गंदा हुआ है, मतलब नहीं फोकस ही नहीं हो रहा। ये आहत ने दूध फेंका हुआ, दूध गल गिर गया था आहत से, और उसके ऊपर दूध गिरा के उसके ऊपर। चलिए जी, मैं सफाई करती हूँ और इसको थोड़ा कंट्रोल करती हूँ। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें एंड प्यारा सा कमेंट कर दें। चलिए जी, मैंने चेंज कर लिया, आहत को भी नहला धुला के तैयार कर दिया है, और रूम भी मेरा ऑलमोस्ट ठीक है, क्लीन हो ही गया है। ये आहत का फीटर वो पी रहा था अभी, और बाकी जो है वो नीचे झाड़ू टाकी रह गई है वो, और डस्टिंग रह गई है वो, मैं ना उसको छोड़ के आगे करती हूँ। वो बड़ा ही रो रहा है आजकल तो, मुझे तंग कर रहा है, बड़ा परेशान कर रहा है। मैं परेशान हो रही हूँ कि जब इसका असल स्कूल में जाने का टाइम आएगा तो वहाँ पर कहीं पर ये डरना ना शुरू हो जाए कि नहीं नहीं मैंने स्कूल नहीं जाना, बिकॉज अब इसके सामने नाम ना स्कूल तो कहेगा नो नो। तो आई डोंट नो क्या होता है, व्हाट्स गोइंग ऑन। पानी की बोतल उसके अंदर रहेगी, वो लेके दे के आती हूँ उसे, और उसे भी छोड़ के आती हूँ। ठीक है, चलो लेट्स गो। आजो आहद आजो, अभी 7 मिनट्स है, 7 मिनट। वाह, किधर जा रहा है मेरा बेटा, स्कूल जा रहा है?
स्कूल स्कूल, इट्स टाइम टू गो टू स्कूल। ये कहां से गिरा है? स्क्रू कहां से गिरा है? स्क्रू यार, ये भी ऊपर से साफ कर दिया। और ये देखो कितने पत्ते गिरे हैं। सारा कुछ अब्बू पे डाल दो बस। ये वाइपर पकड़ो, वो पड़ा हुआ वाइपर मारो। चलो बाइक स्टार्ट करो। चलिए जी, मैं आहत को ट्यूशन छोड़ आई हूँ। और पता नहीं है मुझे क्यों आज अच्छा नहीं लग रहा, बुरा लग रहा है। बिकॉज वो बहुत सैड था। जब बाइक से उतरता ना, उसको आहिस्ता आहिस्ता पता चलना शुरू हो गया। अभी तक तो पहले उसके लिए सिर्फ फन गेम थी कि बस जा रहा है, खेल रहा है और आ रहा है। अब जो है वो थोड़ा उसको बिठाना शुरू किया जिस पर्पज से हमने उसको डाला था उसको उधर, तो वो ना एक सहम गया है कुछ। उसके दिल में डर आ गया कि मुझे रोज ही छोड़ के चले जाते हैं। तो बाद में नॉर्मल तो हो जाता है, लेकिन हमारे सामने हमें थोड़े से दिखाता है। तो बीइंग अ मदर, अभी मुझे कुछ कुछ हो रहा है मेरे दिल में। पता नहीं, मुझे लग रहा है कि शायद कहीं डिसीजन कोई गलत ना हो गया हो, क्या क्या नहीं। एक मेरे दिल में जो खौफ आ रहा है वो यही आ रहा है सिर्फ, कि ये ना हो कि जब इसका स्कूल जाने का टाइम, असल वाला स्कूल जाने का टाइम आए, तो ये उसके नाम से कतराए या डरे और पढ़ाई से भाग जाए। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता क्या होगा क्या नहीं। अभी फ़िलहाल वो मेरा दिल थोड़ा सा अपसेट है। मैं नहीं झाड़ू की सफाई करने का टाइम नहीं कर रहा दिल, लेकिन फिर भी करनी है, क्योंकि जब से यह ट्यूशन जाना शुरू हुआ है ना, तब से मेरा ये निज़ाम भी बड़ा दरम भरम हुआ है। 2-2.5 घंटे तो इसी में लग जाते हैं। पहले उसको नहलाओ धुलाओ, कपड़े चेंज कराओ, भेजो छोड़ के आओ, फिर अभी छोड़ के आते हैं, अपना थोड़ा सा काम पुम करते हैं, 10-15 मिनट वहाँ बैठते हैं, आके अभी 20-25 मिनट भी नहीं होते, फिर उसको लेने जाओ, फिर वो जब आता है वो सो जाता है, तो मेरा कोई काम हो ही नहीं पाता। मैं कहती हूँ इससे बेहतर तो घर पे ही था, लेकिन चलो फिर भी ये बच्चे के साथ तो एक प्रोसेस तो करना ही पड़ता है। चलो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। 6 महीने साल तो अभी इसके स्कूल जाने में है, तो अगर कोई दर्द डर आएगा भी तो होपफुली वो ख़त्म भी हो जाएगा। ठीक है, सो चलो मैं ये सफाई से कोई कर लूँ, राहत को लेने जाएंगे खुशी खुशी। ठीक है, चले जी हम तैयार हो गए हैं, रात के बज गए हैं 8। ठीक है, अब हम जा रहे हैं आहत की कुछ शूज़ वगैरह लेने, क्योंकि आगे एक शादी आ गई है वो लेंगे। अब्दुल्ला का है आज बर्थडे, तो हो सकता है हम कहीं बाहर खाना वाना खा लें। तो चलो चलते हैं, आहत और अब्दुल्ला तो बाहर जा चुके हैं, मैं भी सोचा बाहर चलती हूँ, लेकिन मैं सोचा उससे पहले आपको अपडेट दे देती हूँ। अल्लाह हाफिज़। आहत यहाँ पे सो गए और हम यहाँ बैठे हुए हैं, और ये हम जा रहे हैं बर्गर लेने। यहाँ चलो जी हम लोग घर आ गए हैं, और ये जो है ना ये सो गया था, इस वजह से जो है मैंने, हम लोगों ने कहीं बैठ के कुछ भी नहीं खाया। मूड तो था हमारा कि हम कहीं जाके खाना खा ले, लेकिन हमने नहीं खाया। एक तो 11 बज गए थे, आप यकीन करें मैं 8 बजे की थी और 11 बज गए। और दूसरा ये कि जो है क्या नाम है, ये सो गया था, थक गया था, इसलिए शूज हमने आहत के ले लिए थे। शूज मैं आपको दिखाऊंगी। ठीक है, शूज हमने आहत के ले लिए थे, और अब जो है साथ हमने ये बर्गर्स ले लिए, फ्राइज ले लिए, ये आहत के शूज हैं दोनों। तो बस इसी तरह हमारा मतलब अब्दुल्ला का हैप्पी बर्थडे सेलिब्रेट हो गया। ठीक है, मैं भी जब मेरा पीछे बर्थडे था तकरीबन 8 से 15 दिन पहले, तो मेरे और अब्दुल्ला का बर्थडे सेम मंथ में आता है। अब्दुल्ला का बर्थडे आता है 16 को और मेरा बर्थडे आता है 1 को, तो सेम मंथ में आता है, बस 15 दिन का फर्क है। 15 दिन कहने मैं अब्दुल्ला से बड़ी हूँ, तो उसमें हमने मियाँ बीबी ने बाहर जाके खाना खाया था,
और आज हमने खाना घर ही लिया है क्योंकि ये सो गया था, कहीं बैठ के खा नहीं सकते थे, कुछ भी सब कुछ स्पॉइल हो जाना था, इसलिए हमने बर्गर्स लिए और सबके लिए लिए और सबके लिए पैक करवाए। मेरा बर्गर अंदर आ गया है, बाकी सब बाहर खा पी रहे हैं। मैं अभी पहले चेंज करूंगी, फिर कब बर्गर खाऊंगी और फिर सो जाऊंगी और थोड़ा बहुत टीवी देख लूंगी क्योंकि आहत सो रहा है। सो होप यू लाइक द वीडियो, इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। बाजार में मैं वीडियो नहीं बना सकती थी क्योंकि बाजार में मेरे साथ आहत होता है यार, मैं नहीं वीडियो बना सकती। ठीक है, शूज मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये देखो शूज, ये हाथ का शूज लिया एक, ठीक है, ब्लू, लाइट अंधेरा है ना इसलिए अंधेरे में भी मैं बस ऐसे दिखा रही हूँ। और एक के लिए दो शूज आहत के, दो पेयर शूज के लिए क्योंकि शादी है तो उस बच्चे ने जाहिर है शूज वगैरह पहन लिया है। और अभी जो है हमारी आएगी शादी, आई थिंक सैटरडे और संडे की शादी है, फ्राइडे की मेहंदी है शायद, सैटरडे संडे, लेकिन हम सिर्फ आई थिंक बारात और वलीमा पे ही जाएंगे। तो बस उसके शूज छोटे हो गए थे इसलिए उसके शूज लेने निकल गई थी। पहले अब्दुल्ला के कजन की तरफ गए, वहां से हम लोग शूज लेने गए, वहां से आते आते अब 11 बज गए, अम्मी की तरफ भी नहीं गए। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। होप यू लाइक द वीडियो, इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। मैं कपड़े चेंज कर दूंगा और फिर अपना बर्गर शर्गर जो भी मील शील है वो खाएंगे और आपसे अगले किसी व्लॉग में मिलेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।